बच्चों, मैं फिर आ गई आपकी दोस्त नेहा। कैसे हैं आप सब? कहीं आप मुझे भूले तो नहीं? आपको याद ही होगा कि हमने पिछले वर्ष ढेर सारी कहानियां सुनी थी और खूब सारे खेल भी खेले थे। तो देर किस बात की, आइए फिर से शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सब लोग साथ में बोलेंगे चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली, भाग दो। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें क्या क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ एक मेंढक दिख रहा है, पर इस मेंढक ने एक तारे को हाथ में क्यों पकड़ रखा है? क्या ये तारा इसका दोस्त है, या फिर मेंढक तारे को खाना चाहता है? लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात ये है कि ये तारा मेंढक के हाथ में आया कैसे होगा? वह इतना ऊपर उछला कैसे होगा कि तारे को तोड़ पाए? ये कहानी किस बारे में हो सकती है? चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से मिल जाए। कहानी का नाम है मेंढक का तारों भरा सपना। तो इस कहानी में मेंढक एक सपना देख रहा है। तभी तो मैं कहूं कि मेंढक ने तारे को कैसे पकड़ लिया होगा, पर आखिर उसका तारों भरा सपना क्या होगा? क्या वो तारों के साथ कहीं घूमने जाना चाहता था? उसने अपने इस सपने को सच करने के लिए क्या क्या कोशिशें की होंगी? क्या आखिर में उसका ये सपना सच हो भी पाया या नहीं? मेंढक आखिर में निराश हुआ या खुश? बच्चों, आपको क्या लगता है? चलो कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ होगा। इस कहानी को लिखा है शीशपाल ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं प्रोइति राय ने। चलो इसे पढ़ें। एक तालाब में एक मेंढक रहता था। वह तालाब से तारों को देखता रहता, वह उन्हें छूना चाहता था। एक रात उसने सोचा, क्यों ना आज तारों को छुआ जाए। तो ये था उसका सपना, तारों को छूने का। क्या बात है, मेंढक भाई ने क्या खूब ठानी। चलो आगे देखते हैं, आखिर मेंढक राजा तारों को छूने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं। फिर क्या था, वह बड़े पत्थर पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे हाथ ना आए। फिर टीले पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया पर तारे मेंढक के हाथ ना आए। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या मेंढक हार मान जाएगा या फिर तारों को पकड़ने का कोई दूसरा रास्ता खोजेगा? सोचो सोचो। चलो आगे पढ़कर देखते हैं कि मेंढक राजा क्या कमाल दिखाते हैं। मेंढक ने पास में एक नारियल का पेड़ देखा। पेड़ बहुत ऊंचा था। उसने सोचा, शायद अब काम बन जाएगा। उसने चढ़ना शुरू किया, चढ़ता गया चढ़ता गया, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ पाया। उसने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाया पर तारे फिर भी मेंढक के हाथ ना आए। वह निराश हो गया। उसने नीचे देखा और डर के मारे उसकी सांस अटक गई। बेचारा मेंढक, आखिरकार उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी तारों को छूने का उसका सुनहरा सपना टूटते हुए दिखाई दे रहा है। पर बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि उसने ऐसा क्या देखा जिससे उसकी सांस अटक गई और वो इतना डर गया। कहीं उसे नीचे गिरने का डर तो नहीं लग रहा है? इस बात का पता तो कहानी को आगे पढ़ने के बाद ही लगाया जा सकता है। चलो
मैं इसे आगे पढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आगे कहानी में आखिर में क्या हुआ। वह निराश हो गया। उसने नीचे देखा और डर के मारे उसकी सांस अटक गई। मेंढक ने लंबी सांस ली, दिल पर हाथ रखा और खुद को समझाया कि डरो मत, हिम्मत रखो। तभी उसकी नजर नीचे तालाब पर पड़ी। बहुत सारे तारे तालाब में चमक रहे थे। भाई वाह, मतलब हमारे मेंढक राजा को नीचे तालाब में चमकते तारे दिख ही गए। पर अब मेंढक क्या करेगा, वो तो बहुत ऊपर है और उसे डर भी लग रहा है। चलो आगे देखते हैं कि तारे नीचे दिखने के बाद मेंढक ने क्या किया। तारों को देखकर मेंढक बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, उसने लगा दी छलांग तालाब की ओर। जैसे जैसे वह नीचे आ रहा था, वैसे वैसे तारे भी उसके पास आ रहे थे। वह छबाक से पहुंचा पानी में, फिर बाहर आया और बैठ गया किनारे पर और निहारने लगा बड़ी गौर से खुश होकर तारों को, क्योंकि अब तारे तालाब में जो चमक रहे थे। अरे वाह, तो आखिर में मेंढक इस बात से खुश है कि वो तारों को छूने में सफल हो ही गया। और खुश हो भी क्यों ना, वो अब तारों को इतने नजदीक से जो देख रहा है। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। लेकिन हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो है, बच्चों कहानी में जब मेंढक निराश हो गया और डर के मारे उसकी सांस अटक गई थी, तो सोचकर बताओ कि उस समय मेंढक के मन में क्या चल रहा होगा। आपको क्या लगता है? जैसे मुझे लगता है कि शायद वो डर कर ये सोच रहा होगा कि मैं इतने ऊपर तो आ गया, पर अब नीचे कैसे जाऊंगा, तारों को तो छू नहीं पाया, अब कहीं नीचे गिर कर मेरी हड्डी पसली ना टूट जाए। अच्छा बच्चों, मेंढक का सपना था तारों को छूने का। तुम बताओ तो, तुम्हारा क्या सपना है? ऐसा क्या है जो तुम करना चाहते हो? बच्चों शायद आपको पता हो, पर मेरा भी बचपन से ये सपना था कि मैं टीवी पर दिखूं और ऐसे कार्यक्रम को होस्ट करूं। मैंने इसके लिए खूब पढ़ाई की, लगातार मौकों की तलाश की और खूब मेहनत की, और देखो मेरा ये सपना साकार हो गया। पर ये तो मेरा सपना था, आपका क्या सपना है और आप इसे पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे? सोचिए सोचिए और बताइए। बच्चों अगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती तो आगे कहानी में क्या हुआ होता? इस कहानी को अगर और आगे बढ़ाना हो तो आगे क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। जैसे मुझे लगता है कि मेंढक उसके बाद अपने घर गया होगा और उसने ये बात अपने घर के सदस्यों और दोस्तों को बताई होगी कि कैसे उसने तारों को तालाब में छलांग मारकर छू लिया। उसके बाद मेंढक के दोस्त भी तालाब पर आए होंगे और उन्होंने भी तालाब में छलांग लगाकर तारों को पकड़ने की कोशिश की होगी। आप भी सोचें और आगे बढ़ाएं इस कहानी को अपने शब्दों में। आप लिख कर भी आगे बढ़ा सकते हैं और चित्र बनाकर भी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। याद है कहानी की आखिरी पंक्ति में लिखा था कि डर के मारे उसकी सांस अटक गई। तो आज का हमारा शब्द है सांस अटक जाना। तो बच्चों बताओ क्या आप लोगों ने भी सुना है ये शब्द?
इसका मतलब होता है किसी चीज से बहुत जोर से डर जाना या घबरा जाना। जैसे सोचो, अगर कहीं आप जा रहे हो और अचानक आप किसी चीज से डर जाएं और एक ही जगह खड़े होकर रह जाएं, तो इसे भी सांस अटकना कहा जा सकता है। जैसे अपने सामने एक बड़ा काला सांप देखकर रवि की सांस अटक गई। अरे हाँ, मुझे एक बात याद आई। एक बार मैं कहीं घूमने गई थी और बस से वापस घर आ रही थी। रात का समय था, अचानक बस के सामने दो हाथी आ गए। बस ड्राइवर ने बस रोककर साइड में खड़ी कर दी और सब लोगों को चुप रहने और शोर ना मचाने को कहा। सब लोग जोर से डर गए कि कहीं हाथी बस को और सवारियों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेरी भी सांस अटक गई कि अब क्या होगा। मैं भी बहुत डर गई थी, पर थोड़ी देर के बाद हाथी बस के चारों ओर घूमकर वापस झूमते झूमते जंगल की ओर निकल पड़े और हमारे ड्राइवर ने भी बस स्टार्ट करके जल्दी से वहां से भागना ही ठीक समझा। क्यों, समझ में आया सांस अटकना क्या होता है? क्या तुम भी सोच सकते हो ऐसा ही कोई उदाहरण, कोई वाक्य, कोई किस्सा जब तुम्हारी भी सांस अटक गई हो या आप बहुत डर गए हो? सोचो सोचो। और अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की ओर। बच्चों, आज आपको मैं एक नए खेल के बारे में बताऊंगी। ये खेल किसी गड़बड़ को ठीक करने का है। इस खेल का नाम है सही से जमा कर दिखाओ। इस खेल में सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बातें बोलूंगी, आपको सुनकर पता लगाना है कि ये मैंने सही से बोला है कि नहीं। और अगर आपको सही ना लगे या कुछ गड़बड़ लगे, तो फिर उसे आपको सही से जमा कर भी बताना है। जैसे पहले मैं इसे करके बताती हूँ। पहला वाक्य ध्यान से सुनो। बाजार मोनू जलेबी से लाया। इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इसको सही से जमा कर देखें तो मोनू बाजार से जलेबी लाया। तो बच्चों, देखा मैंने कैसे इस गड़बड़ को ठीक किया। बच्चों, अब आपकी बारी है, ध्यान से सुनना। पानी मछली में रही है तैर। सोचो सोचो। बिल्कुल सही, मछली पानी में तैर रही है। अच्छा, अब एक और ध्यान से सुनो। पेड़ आम पर हैं लगे। हाँ हाँ, कोशिश करो। एकदम सही पहचाना, पेड़ पर आम लगे हैं। चलो खेल को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नए वाक्य बोलती हूँ। आप इसमें छुपी गड़बड़ को पकड़ना और उसे सही से जमा कर बताना। जाते हम हैं स्कूल रोज। सोचो सोचो। बच्चों, और सोचो। बिल्कुल सही, हम स्कूल रोज जाते हैं। भारत है देश नाम का हमारे। क्या बात है बच्चों, आपने बिल्कुल सही से जमा कर बताया, हमारे देश का नाम भारत है। एक और वाक्य लेते हैं। किताब मुझे एक चाहिए। क्या इस वाक्य की गड़बड़ को ठीक कर सकते हो? बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम सही पहचाना। सही से जमा कर देखें तो ये होगा कि मुझे एक किताब चाहिए। अरे वाह, क्या बात है बच्चों, सबने बहुत अच्छे से इस खेल को खेला। आप लोग इस खेल को दोस्तों के साथ और घर में भी हर रोज खेल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं मिलकर एक नया खेल खेलें? आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे
जैसे न, क, ट, म। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ, मात्रा ई। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। ना, का, टा, मा। अब अक्षरों को मात्रा ई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। नी, की, टी, मी। बहुत बढ़िया बच्चों, हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। न, क, ट, म। ना, का, टा, मा। नी, की, टी, मी। मैंने एक शब्द बनाया, नी और म। क्या बना? नीम। एक और टी और म। क्या बना? टीम। एक और बनाए, का और ट, बन जाता है काट। अच्छा एक और न, ट, क, बन जाता है नाटक। एक और बनाया, न, म, क, बन जाता है नमक। और भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ना और नी, बन जाता है नानी। म, ट, क, बन जाता है मटका। ना और टा, बन जाता है नाटा। मा और मा, बन जाता है मामा। मा और टी, बन जाता है माटी। ना और क, क्या बना? नाक। चलो अब तुम्हारी बारी, जल्दी से शब्द बनाओ और अगर तुम्हारे पास कॉपी पेंसिल है तो उन्हें लिख भी सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। आज हमने एक कहानी पढ़ी, मेंढक का तारों भरा सपना, जिसमें एक मेंढक था। चलो इससे जुड़ी एक मजेदार बात आपसे पूछती हूँ। पूछूं? बताओगे? तो बात ये है कि आप सभी अपने मुंह से पानी पीते हो। क्या आप बता सकते हो कि मेंढक पानी कैसे पीता है? बोलो बोलो। चलो मैं बताती हूँ। बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर की खाल का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करता है। मतलब ये अपनी खाल से शरीर में पानी पहुंचाता है। जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, वैसे वह शरीर की खाल से पानी पीता है। क्यों? है ना ये एक रोचक बात। एक और बात बताऊं, मेंढक एक ऐसा जीव है जो आपको गांव में, शहरों में व जंगलों में देखने को मिल जाता है। ये जीव अक्सर इंसानों के आसपास पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मेंढक जमीन के अलावा पानी में भी पाए जाते हैं? मतलब मेंढक जमीन और पानी दोनों में जीवित रह सकता है, और कभी कभी तो ये जमीन के अंदर भी कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेंढक के बारे में ये रोचक बात? चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी, अब वक्त है कुछ अपने मन से लिखने का और कहने का। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब हम इस कार्यक्रम के सबसे ज्यादा रोचक खेल में आ पहुंचे हैं। इस खेल का नाम है चित्रों की कहानी मेरी जुबानी। बच्चों चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ आपको इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? हाँ हाँ सही पहचाना, यहाँ दो बच्चे दिख रहे हैं, एक गाय भी दिख रही है। पर क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि ये दो बच्चे गाय के पीछे क्यों चल रहे होंगे? आपको क्या लगता है, ये बच्चे और गाय कहाँ जा रहे होंगे?
आसपास कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाय बच्चों को लेकर कहीं जा रही होगी? अगर हाँ तो कहाँ जा रही होगी? इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? सोचो सोचो बच्चों, आपको क्या लगता है? जैसे मुझे लगता है कि ये गाय इन दोनों बच्चों को जानती है। ये तीनों सुबह की सैर पर निकले होंगे, पर आज शायद थोड़े लेट हो गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी भाग कर जा रहे हैं। अब ये जंगल जाएंगे, वहां ताजी ताजी हवा लेंगे और कसरत भी करेंगे। गाय भी हरी हरी घास चरेगी, पानी पिएगी और फिर तालाब में नहाकर तीनों वापस आ जाएंगे। क्या आप भी लिखकर बता सकते हैं कि इस चित्र में आगे क्या हुआ होगा? अच्छा बच्चों, जैसे इन दोनों बच्चों के यहाँ एक गाय है जो इन्हें पसंद भी है, क्या आप चित्र बनाकर दिखा सकते हैं कि आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? ये भी लिखने की कोशिश करें कि आपको वो क्यों पसंद है। बच्चों कोशिश करो और बनाओ अपना मनपसंद जानवर का चित्र, और हाँ उसका नाम लिखना मत भूलना। चित्र बनाकर अपने परिवार के सदस्यों और अपने शिक्षक को भी बताना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को खूब आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों तुम करना मेरा इंतजार, मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।